ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों सबों को जय जीसु। आज समन्याकाल का 14वां समन्या रविवार है और आज इस शुभ दिन अर्थात प्रभु के इस दिन में तीनों पाठ हमें शांति के बारे बतलाते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा से कहते हैं कि वे एक बहती नदी की तरह उनके बीच शांति भेजेगा और वह शांति राज्य में एकता भाईचारा और मेल मिलाप लाएगा। वह शांति लोगों को संतवाना देगा और उनके जीवन को हरी भरी घास की तरह लहलाएगा। लेकिन आइए हम जानें कि वह शांति कौन और क्या है। वह शांति और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु है। पवित्र आत्मा का फल है। प्रभु यीशु का दूसरा नाम ही शांति है। द्वितीय पाठ में संत पौलुस गलातियों को कहते हैं कि यदि वे मसीह के संदेश के प्रति वफादार विश्वासी रहेंगे तो वे शांति और चैन से रहेंगे, अन्यथा नहीं। वह उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि खतना हो या ना हो इससे शांति और चैन प्राप्त नहीं होती, लेकिन शांति और चैन हमें यीशु से जुड़े रहने से प्राप्त होती है। आज समाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु केवल 12 शिष्यों को नहीं बल्कि 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं और उन्हें दुनिया के कोने कोने में शांति स्थापित करने के लिए भेजते हैं। शिष्यों को लोगों से जो पहला शब्द बोलना है वह शब्द है शांति, और शिष्यों को लोगों के साथ रहना है और उन्हें प्रभु के वचन को बतलाना है। यीशु के नाम पर लोगों को चंगा करना है, लोगों को संतवाना देना है। लेकिन यीशु शिष्यों को भेजने के पूर्व कुछ विशेष निर्देश देते हुए दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजते हैं और कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना तो थैली ना झोली ना जूते ले जाओ। रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो और जिस किसी व्यक्ति से मिलते हो या जिस किसी के घर में प्रवेश करते हो उसे कहो शांति प्राप्त हो। यीशु का 72 शिष्य को भेजना और वह भी दो दो करके भेजना और रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना शांति स्थापित करने का इमरजेंसी अर्जेंसी या आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है। फसल तो बहुत है किंतु मजदूर थोड़े हैं, इसका मतलब दुनिया में धन दौलत ऐशो आराम बहुत है लेकिन लोगों में शांति चैन नहीं है, और शांति को लोगों के दिल में स्थापित करने के लिए इस सेवक बहुत कम है। जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, अर्थात यहां भेड़ियां दुनिया में शांति को भंग करने वाले आतंकवाद जल्लाद चोर हत्यारे बदमाश एवं खूंखार लोग हैं। यह स्वाभाविक है, भेड़िया भेड़ों पर हमला करते हैं, उन्हें चीर फाड़ कर मार डालते हैं और खा जाते हैं। ठीक इसी भांति देश दुनिया में शांति स्थापित करने वाले इस सेवकों को आतंकवाद जल्लाद खूंखार और बदमाश लोग पसंद नहीं करते हैं और उन पर हमला करते हैं और उनके शांति मिशन कार्य में दखल देते हैं। इसके बावजूद यीशु कहते हैं कि तुम अपने साथ ना झोली ना थैली ना हथियार ना जूते ले जाओ। इसका मतलब यीशु कहना चाहते हैं कि तुम अपने साथ मुझे ले जाओ, तुम मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं शांति और पवित्र आत्मा का फल हूं। 72 शिष्यों का उत्तराधिकारियों के रूप में हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम दुनिया भर में शांति का प्रसार करें, शांति स्थापित करें। लेकिन इसके पूर्व शांति अर्थात यीशु को हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में स्थापित करने की आवश्यकता है। फिर हमें 72 शिष्यों में एक बनने के लिए
यीशु के प्रति वफादार एवं विश्वासी बनना पड़ेगा। हमें धर्मी और पवित्र बनना पड़ेगा। हमें शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरों के साथ मेल मिलाप, भाईचारे और एकता में रहना पड़ेगा। हमें शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरा यीशु ख्रीस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का दूसरा नाम है शांति। हमें शांति स्थापित करने के लिए पैसा कौड़ी धन दौलत पर नहीं, बल्कि यीशु में विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि धन दौलत नहीं बल्कि यीशु शांति का स्रोत है। भाइयों बहनो, क्या जानते हैं किसके दिल में अशांति होती है, किसके दिल में डर भय होती है? उसी के दिल में जिसके दिल में यीशु नहीं होता है। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें शांति का कृपा और फल प्रदान करे। आमीन। जय यीशु मसीह।